भाई साहब आज ऐसा अटैक कर देंगे, ऐसी आर्मी से अटैक कर देंगे, ऐसा अटैक कर देंगे जैसा किसी ने सोची ना होगी, क्योंकि यो थारा भाई मोगेम्बो यो 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 छाती में कर देगा दर्द अपोनेंट की। भाई लोगों के नहीं, आप तो हमारे प्यारे प्यारे भाइयों है ना, तो इसी बात पे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल उंगलियों में जान नहीं रही तुम्हारे, दबाओ 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 लाइक और सब्सक्राइब। चलिए रिमांड रूम प्रतियोगिता की तरफ निकल चुके हैं और एक कोने के अंदर ब्लिंप को पहुंचाना है, बलून्स डालने पड़ेंगे इसलिए काफी सारे, ताकि उस खोपचे तक ब्लिंप पहुंच सके। पहुंच तो गई है, क्लोन भी हो गया मामला। एक और रेज मार देते हैं ताकि और वैल्यू निकाली जा सके। बहुत वैल्यू आ गई, इतनी वैल्यू काफी है। आगे की कार्रवाई अभी हम खुद शुरू करेंगे यहां से। क्वीन को उतार दिया अपन ने, क्वीन नीचे की तरफ आनी चाहिए। इधर किंग, एक वॉल ब्रेकर, एक आइस गोलम, वार्डन क्वीन के साथ, इनविजिबल डालनी पड़ेगी क्वीन पे। यहां पे एक हेड हंटर, और आइस गोलम, वार्डन एबिलिटी, क्वीन फंस गई है उधर, आरसी को इनविजिबल करना पड़ेगा। ठीक ठाक चल रहा है मामला गाइस अभी तक। कुछ और क्लीनअप ट्रूप डाल दिया अपन ने, एक लावा भी डाल दिया ताकि थोड़ी सी हेल्प करे आगे जाके। एक और लास्ट हेड हंटर अपना, जायंट बॉम्ब से बच गया, चलो सिंगल टारगेट बचा हुआ है और लावा ने अपना काम शुरू कर दिया है। ठीक ठाक लग रहा है ये अटैक गाइस, और पहला थ्री स्टार यहां पे दिखने लगा है अपने को। यार मस्त है ये आर्मी, और सेंटर टाउन हॉल के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, बट इसमें थोड़ा सा टाइम फेल होने का खतरा रहता है, तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके अटैक करना। और देखो मैंने लेवल 1 के इलेक्ट्रो टाइटन से अटैक करा, ये अपग्रेडेड भी नेम। ओह उसकी भाई टाइम फेल, अरे दादा आप लोगों को बता रहा था टाइम फेल के बारे में, मेरा ही टाइम फेल हो गया। पहले तो बूस्ट आर्मी कर लेता हूं क्योंकि मेरी लेवल 1 की वो थी। इस पे वैल्यू कैसे निकाली जाए, ब्लिंप को कैसे पहुंचाया जाए। ब्लिंप जाएगी इस कोने से वार्डन एबिलिटी में, गलत चली गई, गलत चली गई, गलत चली गई। क्लोन और रेज अब यही बचा बस करने के लिए। टाउन होल आ जाए किसी तरह, आ जा टाउन होल मेरा, आ गया अब कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब यहां से किंग, क्वीन, हेड हंटर, आइस गोलम, इलेक्ट्रो टाइटन, हीलर्स,
एक और आइस गोलम, क्वीन को मारने के लिए एक और हेड हंटर, और इलेक्ट्रो टाइटन जा रही है एकदम गलत। आधी आर्मी इधर आधी आर्मी उधर, इस तरह से तो बात बनेगी नहीं उस्ताद। आर से डालनी पड़ेगी इलेक्ट्रो टाइटन के साथ। और अब दीवार तोड़ने की उल्टी सीधी प्रक्रियाएं चालू होंगी। आरसी से आरसी भिड़ गई है भाई, अपनी आरसी जीत गई है। और ये इलेक्ट्रो टाइटन थक जाएंगी ऐसे तो दीवार तोड़ते तोड़ते। इनको भी दीवार तोड़नी पड़ेगी। चलो चलो जोर लगाओ, टाइम फेल मत कराओ मेरा दोबारा से। क्लीनअप के लिए भी कोई ट्रूप बचा के रखने पड़ेंगे यहां पे, ताकि कार्रवाई की जा सके। यार ये एक वापिस से आर्चर टावर बच गया ना, इससे दिक्कत लग रही है मेरे को। चलो यहां पे आ रहे इलेक्ट्रो टाइटन, आ तो रहे। एक बलून डाल देता हूं, कुछ मिनियन डाल देता हूँ यहाँ पे, लास्ट ही मिनियन बचा है। ये वाले मिनियन इधर से काम कर देंगे, और वो वाले मिनियनों ने उधर से काम कर दिया है, और अब टाइम फेल नहीं हो सकता ये अटैक, समझ रहे आप? ओपी अटैक, अपने आप को ही शाबाशी दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे कोई और बैठा भी नहीं है, आप लोग भी दे देना थोड़ी बहुत भाई कॉमेंट में। सेंटर टाउन हॉल का एकदम कंजेस्टेड बेस मिला है भाई, इस तरह के बेसिस के लिए ये आर्मी बहुत अच्छी है। बट बिलिम पहुंचनी चाहिए अपनी डिजायर्ड जगह पे। बिलिम पहुंच जाती है तो सब ओके। बहुत वैल्यू निकाल लिया यहां पे। टाउन हॉल चाहिए, चलो टाउन हॉल आ गया। मल्टी रह गया, 0 HP पे जाके गाइस मल्टी रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर की तरफ लेके जाएंगे आर्मी को, जहां पे स्कैटर शॉट है। जो हैवी डिफेंसेस हैं उन्हीं को टेक डाउन करना जरूरी है। इलेक्ट्रो टाइटन भी उतार देते हैं यहां पे, और वॉर्डन को भी। एक और आइस गोलम, आरसी, ठीक ठीक चल रहा है अटैक। आर्मी बाहर चली गई है, वो एक अच्छी बात नहीं है। मेरी मम्मी आ गई गाइस परेशान करने के लिए। हाँ हो गया भैया, हो गया। हाँ चलाओ, मेरी मम्मी मानती नहीं है, वीडियो में आने ही आना है, चाहे आवाज से आए या बैकग्राउंड में घूम के आए, आपको पता ही है, फेवरेट काम है मेरी मम्मी का। वो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पे फिलहाल किंग बना हुआ है। चलो किंग को टेक डाउन कर दिया रहेगा। आरसी के पास एबिलिटी है, इलेक्ट्रो टाइटन बाहर घूम रहे हैं। एकदम हैवी सा लग रहा है ये अटैक गाइस, हैवी वेट चैंपियन की तरफ रवाना हो चुका है। पूरी की पूरी ऑलमोस्ट आर्मी बची हुई है ना, देख रहे हो आप? प्रो लेवल इलेक्ट्रो टाइटन, और इस वाली अटैक का आज का जो फाइनल अटैक किया रहेगा ना भाई, वो क्या रहेगा? सीधा CWL के अंदर, और वो भी इसी आर्मी के साथ, और वो भी इस जबरदस्त वाले बेस के ऊपर। अब तो देखी जाएगी उस्ताद, जो भी होगा दिक्कत वाली कोई बात नहीं। आपको पता ही है मैं कितना नूब प्लेयर हूं ऐसे अटैक में, तो आप एकदम बढ़िया नूब अटैक मेरे से एक्सपेक्ट करो। और बिलिम को चलने दो, अब
दो इनविजिबल लग चुकी हैं, वैल्यू अभी तक उतनी आई नहीं है। चलो फाइनली टाउन हॉल आ गया, स्कैटर भी आ गया, एक रेज और मारता हूँ, क्या पता आर्टिलरी भी आ जाए। तो किंग के पीछे पड़ गए, मल्टी भी आ जाएगा, अभी कह सकते हैं कि अच्छी खासी वैल्यू आ गई है। चलो जी वैल्यू तो आ गई है, इसमें तो कोई दोराय नहीं है। हीलर्स क्यों उतार दी, एक हीलर की कुर्बानी दे दी गई है यहां पे, और इलेक्ट्रो टाइटन अलग ही जोश में भाग रही है। आ गई आगे, इलेक्ट्रो टाइटन अलग ही भाग रही है भाई, हद है। क्वीन अलग चल रही है और इलेक्ट्रो टाइटन अलग चल रही है। साथ में हो जाए तो बढ़िया बात बन जाएगी। समय कम बचा है, आरसी फंस गई है, क्वीन फंसी, आरसी तो बची हुई है, क्वीन फंस गई है। टाइम फेल या प्रॉपर फेल, हेड हंटर से मुलाकात हो गई है। 31 सेकंड्स बची हैं, टाइम फेल की तरफ ये जा रहा है गाइस अटैक। क्वीन तो मरने वाली नहीं है, क्वीन के लिए सब कुछ वोकेबल है। 20 सेकंड बचे हैं यार, पहली बार CWL के अंदर ऐसा अटैक कर रहा हूं भाई, और फिर टाइम फेल हो जाएगा तो कितना बुरा लगेगा। भगवान से दुआ मनाओ कि टाइम फेल ना हो, पर मुझे लग रहा है टाइम फेल होके रहेगा। मेरी किस्मत ही गाइस इतनी बुरी है, मैं क्या करूं, 99% पे जाके टाइम फेल होएगा। अरे भैया माफ कर दो मुझे भैया। गाइस चलो मेरा बहुत हो गया मूड खराब, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आप लोगों से बहुत जल्द एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने प्यारे माता पिता का भी। बाय।